मध्य प्रदेश पिछले काफी समय से कोरोना मुक्त चल रहा था, मगर एक बार फिर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से खलबली मच गई है। चिकित्सकों ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है। अभी मध्य प्रदेश में केवल एक ही सक्रिय मरीज सामने आया है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि सर्दी, खांसी और बुखार होने पर तुरंत कोरोना का टेस्ट करवाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले पिछले लंबे समय से ठंडे बस्ते में थे। मौसम में आए परिवर्तन के बाद जब से टेस्ट शुरू किए गए तो इंदौर में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिल गया। डॉक्टर HP सोने के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज की हिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण होती है। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों का टेस्ट भी कराया जाना जरूरी है। यदि ऐसा हुआ तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। डॉक्टर रौनक LC के मुताबिक कोरोना के मामले सामने आने के बाद अब एक बार फिर सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के मामले गुणात्मक बढ़ते हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के मामलों में लगातार ये देखने में आया कि ठंड के दिनों में वायरस धीमी गति से आगे बढ़ता है। गर्मी में वायरस का हमला तेजी से होता है। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर लोगों में काफी सतर्कता बढ़ी है, मगर अभी भी पॉजिटिव मामले निकलने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बढ़ते कोरोना पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।